नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक देसी तरीका, प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न कैसे बनाए जाते हैं। आज इस विषय में चर्चा करेंगे। हमने बाउल में मकई ले ली है और इसके लिए आपको बेकिंग सोडे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको सॉल्ट, देसी घी का यूज कर सकते हैं आप या फिर रिफाइंड। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रेशर कुकर की वेसल को रिमूव कर लें और साथ में लगी गैसकेट को भी रिमूव कर लेंगे। बर्नर को ऑन कर लेंगे दोस्तों। एक चम्मच देसी घी लेना है, उसको कुकर में ऐड कर लो। ये हल्दी पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, इसको भी आपने यूज करना है। इससे क्या पॉपकॉर्न में कलर आ जाएगा अच्छा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। आप ज़रूर इसको ऐड करें। मकई हमने ऐड कर ली है, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। ये दोस्तों काफ़ी इजी रेसिपी है, घर में आप प्रेशर कुकर की हेल्प से पॉपकॉर्न रेडी कर सकते हैं। जैसे ही ये ज़्यादा गर्म होने लगेगा, धीरे धीरे इसमें देखेंगे आप कि पॉपकॉर्न गर्म होने रेडी हो जाएंगे। अपना फोकस प्रेशर कुकर के अंदर रखिए। देखिए ये पॉपकॉर्न जैसे ही बनना रेडी होगा तो उस समय वक्त आ जाएगा प्रेशर कुकर को कवर कर लेने का। जी आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न बनने रेडी हो गए हैं। तो अभी आप इसको तुरंत कवर कर लीजिए और एक से एक मिनट काफ़ी है। फिर आप देख सकते हैं इसमें साउंड आने लगेगी, जैसे जैसे पॉपकॉर्न बनने लगेंगे तो साउंड आपको सुनाई देगी प्रेशर कुकर के अंदर। और बीच बीच में आपको प्रेशर कुकर को शेक भी करते रहना है ताकि वो अंदर जले ना पॉपकॉर्न।
अच्छे कलर में बन के रेडी हो। दोस्तों ये प्रेशर कुकर से काफ़ी साउंड आने लगा है क्योंकि अभी ये वॉल को हीट कर रहे हैं, जैसे ही पॉपकॉर्न बन रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, इसके लिए साउंड काफ़ी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पॉपकॉर्न बनने रेडी हो गए हैं। हल्दी ऐड की थी, पूरा प्रेशर कुकर फुल हो चुका है। अभी आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है, आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बैक टू बैक आपको एक से एक रेसिपी आज देखने को मिलने वाली है। ये दोस्तों मटन है, मटन हमने कट करके धो के साफ करके रख लिया है। हल्दी मिर्च मसाले प्रेशर कुकर में हम इसको बनाने वाले हैं। तो बाकी का स्टेप है अदरक हरी मिर्च ऑनियन और ग्रीन पत्ते जो है हम इसको सरसों के तेल में बनाने वाले हैं। दोस्तों रेड चिली हमने ऐड कर ली है, जीरा ऑनियन ऐड करेंगे, मिर्च, बाकी ओनियन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए लाइट ब्राउन होने तक। बाकी मसाले इसमें मिलाकर इसमें हम मटन ऐड कर लेंगे। बाकी ये हमारा पुदीना है, ग्रीन पुदीना, इसको भी हम ऐड करेंगे। मटन प्रेशर कुकर में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके प्रेशराइज करके रख देंगे। दोस्तों बहुत टेस्टी मटन बन के रेडी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। ये दूसरी रेसिपी आ गई है दोस्तों, ये भी मटन रेसिपी। हमने इसमें मटन को पहले से उबाल लिया है, बॉईल करने के बाद हम इसमें प्याज मसाले को मिक्स करके फ्राई करके फिर इसको बनाने वाले हैं। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, स्कैलियन लीव्स है, हम इसको यूज करते हैं। इसके लिए हमने स्कैलियंस को कट कर लिया है, अच्छे से बारीक कट कर लिया साफ करके इसको भी। अब नई रेसिपी आ चुकी है दोस्तों, ये मंचूरियन बनाने वाले हैं हम। गोभी मंचूरियन, गोभी को हमने थोड़ा बॉईल करके क्लीन करके रख लिया है जैसे, तो इसमें हम चिली पाउडर ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, गोभी के मसाले ऐड करेंगे।
बेसन मिला दिया इसमें, बाकी का स्टफ हमारा ऑनियन ग्रीन चिली गार्लिक कट करके हमने रख दिया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नींबू भी ऐड करेंगे। हल्का सा पानी डाल के सारे स्टफ को मिक्स कर लेंगे, जैसे हम पकौड़े बनाने के लिए करते हैं ना, सेम ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। पैन में भी ऑयल लेंगे, टोटल स्टफ को इसमें डाल के लाइट में फ्राई करते रहेंगे। धीरे धीरे ब्राउन होने लगे इसको एक दो बार पलटी कर लीजिए आराम से। बाकी हमने प्याज मिर्च मसाले सब मिला के फ्राई कर लिए हैं ऑयल में, इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। ये हमारा टमाटो जूस है, हमने टमाटर को मिक्सी में मिक्स कर लिया है ग्राइंड करके, इसका पेस्ट रेडी किया है, हम इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये भी टमाटो केचप है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे अच्छा कलर आएगा। दूसरा मंचूरियन थिक बनेगा थोड़ा, इसकी ग्रेवी जो थोड़ी थिक बनेगी, कलर भी देखिए अब बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल में आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बाकी जो हमने फ्राई किए हुए गोभी मंचूरियन थे इसको भी इस स्टफ में मिक्स कर लिया है, अच्छी सी ग्रेवी बनके रेडी हुई है हमारी। इसमें आप देख सकते हैं मंचूरियन कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, बहुत अच्छा कलर आया है। ऐसे दोस्तों आप घर पर रेडी कर सकते हैं। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और आगे बने रहिए। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं चिली मंचूरियन। अगली चिकन रेसिपी रहने वाली दोस्तों, हमने पैन में मसाले, खड़े मसाले लिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हांडी में हमने ऑयल लिया है, ऑयल लेने के बाद अपने प्याज ऑनियन टमाटो ये सब स्टफ को अच्छे से फ्राई करके उसमें चिकन पीस ऐड कर लिए हैं और हांडी को फ्लेम में रख लिया है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छा चिकन बन के रेडी हुआ है। ये दोस्तों हमारी चाय की रेसिपी है, चाय तो आप घर पर आराम से बनाते होंगे, डेली बनाते होंगे, सभी चाय बनाने वाले हैं। मेथी को थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे कॉफ़ी का टेस्ट रहता है सेम, ये देख सकते हैं हम कॉफ़ी कलर में हो चुकी है। इसको हम पीस लेंगे अच्छे से, फ्राई पैन में वाटर लिया हमने, वाटर को वार्म होने देंगे, इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर लेंगे, दोस्तों रेड लेबल
टी है, इसको ऐड कर लेंगे हम। 200 ये कलर देने लगी, उसके बाद हमने इसमें मेथी का जो पाउडर है वो ऐड कर लिया। हमने मिल्क ले लिया 1 कप। अभी मिल्क ऐड कर लेंगे इसमें, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। बहुत बढ़िया टेस्टी चाय बन के रेडी हुई है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कलर है दोस्तों, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये मेथी दाने की चाय हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।